कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? देखो हमारे कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? देखो हम लोग कार्यकर्ता आपको नहीं कार के कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? लोग के पार्टी ठीक है भारतीय जनता। नहीं, आप मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? आपको तो लोग बनाते हैं, लेकिन आप रैली पे जाते हैं, जश्न मनाते हैं, वहाँ पटाखे फोड़ते हैं, जैसे कि आपका मिठाइयाँ आप बांट रहे हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, ये तब मिठाइयाँ आप बांटते जब जो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के जो जितने भी एहतजाज है उनको आप कुछ करके दिखाते, तो आज फर्क पड़ता पर गई क्यों नहीं? सुनो ना मेरी बात, सुनो नहीं, अब 5 मिनट की आप पहले मेरी बात बता, घंटाघर से लेकर प्रेस कॉलोनी 5 मिनट की दूरी पे थी कि नहीं? बात करने दो ना। के दुकानदार थे जो रोजमर्रा की जिंदगी कुछ कमाते थे, आपको नहीं लगता है आपने उनके पेट पे अभी आज लात मारा से तिरंगे की खुशी लहरा रहे? वहीं पे अगर आप 5 मिनट की कदम की दूरी पे प्रेस कॉलोनी जाते, वहां पर आप देखते जो वहां के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक मिनट मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, वहां पर वो एहतजाज कर रहे हैं, लगातार एहतजाज पे बैठे हैं, आप अपना जश्न मनाने में है। आपको नहीं लगता जो जिन्होंने आपको इस ओहदे तक पहुंचाया आप उन्हीं के साथ अभी गलत कर रहे, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते? लेकिन भाजपा की सरकार जब भी कोई जलसा करती है, नहीं खटकते किसको है? किसको खटकते? पाकिस्तान को खटकता है, पाकिस्तान को खटकता है, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान। देखो अभी हमारे साथ मौजूद है जावेद कुरैशी साहब जो कि भाजपा के सीनियर लीडर है, और आज जैसे कि आए हैं जो रविंद्र रैना यानी यूटी के प्रेसिडेंट जिन्होंने घंटाघर पर तिरंगा लहराया जो कि तिरंगा की रैली थी, इसी सब के बारे में आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खुश आमदीद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि 30 साल के बाद ये सब हो रहा है, तो आपको इस सब पे कितनी खुशी हो रही है? देखो ये सबसे अफजल दिन है मेरे ख्याल में, 30-40 साल के बाद आज मौका मिला लाल चौक में, जिस लाल चौक में हुर्रियत के लीडर और यहाँ के कुछ सियासी पार्टी जिन्होंने इसको अखाड़ा बनाया था, और सचमुच वहाँ पे क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, बंद होता था, पूरा बिजनेस लॉस होता था, और इस लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान के झंडों को चढ़ाया जाता था। आज कश्मीर बदल गया है, सचमुच आपने देखा वहाँ हजारों की भीड़ थी जिनके हाथ में तिरंगे थे और भारत माता की जय के नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। अगर आप 30 साल पीछे जाओगे, 20 साल पीछे जाओगे, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। दूसरा ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि करगिल में जो जंग हुई थी वहाँ पे पाकिस्तान ने चोरी छुपे आकर हिंदुस्तान की आर्मी पे हमला किया था, मगर हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उसमें जीत हासिल की, और 500 के करीब हमारे फौजी भाई वहाँ पे शहीद हुए थे, उनको भी खराज अकीदत था, और वहाँ से 600 के करीब जो बाइक रैली निकाली गई वो वहाँ पे इख्तदाम पजीर हो गई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको लग रहा है बाइक रैली निकाली गई या तिरंगा की रैलीज आ गई तो इस सब से जो है कश्मीरी लोग खुश हैं, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा नज़ारा भी दिखाती चलूं कि आज जैसे कि आपने ये रैली निकाली, कल से ही आप इस सब के पीछे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, आज सारी दुकानें बंद थी, इसकी भरपाई कौन देगा? एक तरफ से आपने पूरा घंटाघर संभाला था, दूसरे तरफ से जो वहाँ के दुकानदार थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ कमाते थे, आपको नहीं लगता है आपने उनके पेट पे अभी आज लात मारा है? सुनो, वहाँ किसी को ये नहीं बताया गया कि आप दुकान बंद करो, नहीं अलाउड ही नहीं था। बात सुनो मेरे पीछे जो आप अगर वीडियो देखोगे वहाँ दुकान खुले हुए थे, कौन आता वहाँ लेने? देखो वहाँ ये एक घंटा आधा घंटा था, पहले बड़ी बात है सम्मान, आधा घंटा मैं आपको बताती चलूँ, 10:30 से हम खुद वहाँ है, 2 बजे तक हम वहाँ पे थे, तो आधा घंटा कहाँ था? बात सुनो, ये कश्मीर है, कश्मीर के हालात आपको मालूम है, आप बखूबी वाकिफ है इन हालातों से। दूसरा आपको ये समझना चाहिए कि आज से पहले 10-20 साल पहले 6-6 महीने बंद रहता था, कर्फ्यू होता था, हड़तालें होती थी, तो आज एक दिन बंद रहा तो क्या फर्क पड़ता है? बंद नहीं रहा, किसी ने ये नहीं कहा कि आप बंद करो, ठीक है। अच्छा। वहाँ
रोड खुले हुए थे, जितने कुछ मीटर्स बंद रखे गए थे वहाँ पे, वो सिक्योरिटी के रीज़न के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि आपका एक वीडियो वायरल होता है जहाँ पर आप कुपवारा में जो है परसों ही जश्न मनाते हैं, वहाँ के आपके जो भी आपके वहाँ के लीडर्स हैं वो नाचते हैं, जो कि सब लोगों ने देखा होगा। आप कश्मीरी हैं, कश्मीर के लिए उठते हैं, कश्मीर के लिए करते हैं, आपको नहीं लगता है 10 दिन के बाद या आज जितनी आप यहाँ एक तरफ से तिरंगे की खुशी लहरा रहे, वहीं पे अगर आप 5 मिनट की कदम की दूरी पे प्रेस कॉलोनी जाते, वहाँ पर आप देखते जो वहाँ के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ, एक मिनट मेरा सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं, लगातार एहतजाज पर बैठे हैं, आप अपना जश्न मनाने में है, आपको नहीं लगता जो जिन्होंने आपको इस ओहदे तक पहुँचाया आप के साथ अभी गलत कर रहे, अपने लीडर्स को ला के आप बोल रहे हैं कि हमने ऐसे रैलीज निकाली, इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो बच्चा, मैं आप किससे इंसाफ कर रहे हैं? बात सुनो, मैं एक बात आपको कहूं, एहतिजाज है नहीं, एहतिजाज है वहाँ पे, बच्चे बैठे हुए हैं, आपने जो सवाल, बात सुनो, बात सुनो, निकली है, बात सुनो, बात सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये मत बोलिए। तो अच्छा फर्क पड़ता है, गए क्यों नहीं? सुनो ना मेरी बात, सुनो नहीं, 5 मिनट की, आप पहले मेरी बात बताइए, घंटाघर से लेकर प्रेस कॉलोनी 5 मिनट की दूरी पे थी कि नहीं? बात करने दो ना, हमें अपने लीडरों पे भरोसा है, हमें अपने गवर्नर साहब पे भरोसा है, ठीक है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा है, सचमुच वो देख रहे हैं और जो इनके मुतालबात होंगे वो हल हो जाएंगे। आप बताएं कब होंगे? ऐसा, ऐसा एक डेढ़ दे। देखो डेट, मैं तो गवर्नर यहाँ का नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करता हूँ। हमारे बड़े कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? ये कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? पार्टी बनाती है, लोग बनाते हैं। सुनो ना, बात सुनो, आपको नहीं, इस सवाल का जवाब, कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? देखो हमारे कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? देखो हम लोग कार्यकर्ता आपको, नहीं नहीं नहीं, कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? लोग की पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता। आप मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कार्यकर्ता आपको कौन बनाता होता है? कौन बनाता है? कार्यकर्ता वो हो। नहीं नहीं नहीं, आप अभी भी अपनी अपना जवाब जो सही जब जुड़े जुड़ जाएंगे ना, कौन तो नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बोले कार्यकर्ता आपको कौन बनाता है? लोग या पार्टी? कार्यकर्ता वो होता है, एक पार्टी का फर्द होता है, मतलब बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जिसके साथ लोग होते हैं उसको लीडर कहा जाता है, ठीक है, कार्य, बात सुनो, उसको लोग ही बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, बस बस बात खत्म। जब आपको लोग ही बनाते हैं, लोग सड़कों पे है, बच्चे सड़कों पे है, लड़कियां सड़कों पे, लेकिन आपको तो लोग बनाते हैं, लेकिन आप रैली पे जाते हैं, जश्न मनाते हैं, वहाँ पटाखे फोड़ते, जैसे कि आपका मिठाइयाँ आप बांट रहे हैं, बिल्कुल, हाँ हाँ, ये तब मिठाइयाँ आप बांटते जब जो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के जो जितने भी एहतजाज है उनको आप कुछ करके दिखाते, वही तो कह रहा हूँ, आप तो देखो आप हजार सवाल एक बात कहते हो, मेरा सवाल तो वही रहेगा, जिन्होंने आपको बनाया, आपको कहा जवाब, मैंने कहा हमारा गवर्नर साहब है, हमारे बड़े बड़े लीडर है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा गवर्नर साहब इतना काबिल है, वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है, इसमें अब आप बता रहे हो कि जावेद कुरैशी वहाँ भीड़ में क्यों नहीं गया बैठने के लिए, उसने नारे क्यों नहीं दिए, ये काम हम नहीं करते हैं सचमुच, बात सुनो मेरी, ये हम काम नहीं करते हैं, हम सचमुच ग्राउंड में काम करते हैं, और ये आवाज, बात सुनो, ये आवाज वहां तक पहुंच जाती है, यहाँ हजारों एजेंसियां हैं जो काम करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जब भी कोई पार्टी जो है जलसा करती है ना, कोई दुकानें बंद नहीं रहती है, कुछ नहीं होता, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती, लेकिन भाजपा की सरकार जब भी कोई जलसा करती है, नहीं नहीं नहीं, खटकते किसको है? किसको खटकते? पाकिस्तान को खटकता है, पाकिस्तान को खटकता है, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की, देखो यहाँ तो पाकिस्तान हर वक्त इस कश्मीर को लोही लोहान करना चाहता है, आज भी देख रहा होगा, बात सुनो, आज वो देखो ना, हमारे पंडित भाइयों को टारगेट किया जाता है, वो कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आते थे, जो कश्मीरी मुस्लिम, हर एक, अच्छा वो छोड़ो, कश्मीर में जो भी हिंदुस्तान की बात करता है, इसको पाकिस्तान इसकी जबान को बंद करना चाहता है, ठीक है, इन चीजों को आपको देखना है, ठीक है, पार्टी के पीछे है, हर पार्टी जो है जलसा जब भी करती है, भारतीय जनता आराम से निकालती, लेकिन भारतीय पार्टी जब भी भाजपा की पार्टी जलसा करती है, रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की वर्कर लीडर्स वो है जो सचमुच आंख में डाल के बात करते हैं।
चले शुक्रिया, ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।